आज कांग्रेस ने अपने राजनीति के मूल चरित्र को देश के सामने रखा है और देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस मैदान में दिखाई दे रही है। ईडी गांधी को बुला रहा है, राहुल गांधी को, राहुल गांधी पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं भ्रष्टाचार के समर्थन में करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1930 में बनी हुई एजेल जो 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शेयर से जो बनी थी, उसको किस तरीके से उसकी पूरी संपत्ति को हड़प कर एक नई कंपनी यंग इंडिया कंपनी बनाकर जिसके पूरे शेयर गांधी परिवार के पास में है, और जिस तरीके से 2000 करोड़ की जो संपत्ति को एजेएल से यंग इंडिया में ट्रांसफर किया गया, और तो और एक बड़ा भ्रष्टाचार जिस तरीके से किया, जो आम जनता का पैसा था एक लोन के रूप में कंपनी लेती है और उसी कंपनी के पैसे, जिस कंपनी के मालिक सोनिया हैं, राहुल हैं, उसको कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है, अर्थात कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता के पैसे को भी एक गांधी परिवार के लिए खपाने का काम करती है। और साथ ही साथ एक हवाला कंपनी डॉटेक्स मर्चेंडाइज, जो कि एक हवाला कंपनी है, उससे यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि वहां पर उस डॉटेक्स मर्चेंडाइज से आखिर गांधी परिवार के क्या संबंध है। डॉटेक्स मर्चेंडाइज एक हवाला कंपनी है जो कैश के बदले चेक देती है। आज गांधी परिवार को यह बताने की आवश्यकता है कि आखिर उस कंपनी के साथ में इनके क्या संबंध है। ईडी ने तमाम तथ्यों के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी लेके राहुल गांधी को वहां पर तलब किया है और आज भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पूरे देश के अंदर में आंदोलन कर रही है। आखिर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि ईडी जो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, एक संवैधानिक संस्था जो है, जिसका पूरा अधिकार है कि वो सब तथ्यों को जानकर ही कार्यवाही करती है, उस पर अननेसेसरी दबाव बनाने का काम कांग्रेस मत करे अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। और जो सवाल आज हमने खड़ा किया है कि 1930 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के माध्यम से बनी एजेएल को आखिर यंग इंडिया में कन्वर्ट क्यों किया है, ये कांग्रेस के नेता सामने आए और ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।